नमस्कार। आज हम साइकोलॉजी क्वेश्चंस की सीरीज के इसी क्रम में साइकोलॉजी क्वेश्चंस की सीरीज नंबर 2 हल करने जा रहे हैं, जो कि उत्कर्ष कला से जोधपुर के द्वारा निर्मित है। तो कल तक आपको जैसा कि पता है कि हमने 26 क्वेश्चन कर लिए थे, और आज हम आगे शुरू करते हैं। तो जैसे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध है। पहला ऑप्शन है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। तो परिपक्वता का संबंध क्या विकास से है, बुद्धि से है, सृजनात्मकता से है, रुचि से? इसका सही आंसर है 1 नंबर, विकास से। परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। चार ऑप्शन है, स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन। शारीरिक विकास स्मृति से का क्षेत्र नहीं है, समायोजन का भी नहीं है, अभिप्रेरणा का भी नहीं है। यह है स्नायु मंडल का, और स्नायु मंडल का अर्थ होता है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। और जितना भी शारीरिक क्रियाएँ होती है वो नर्वस सिस्टम से संचालित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो शरीर के आकार में वृद्धि शारीरिक और गत्यात्मक विकास का के अनुसार होती है। इस पर निर्भर करती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास कैसे हो रहा है, इसके अनुसार ही शारीरिक विकास संबंधित है। संवेगों में परिवर्तन होता है संवेगात्मक विकास के कारण, और संज्ञानात्मक विकास में बुद्धि वगैरह का विकास होता है, और नैतिक विकास में नैतिक गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, पहला है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपयुक्त सभी। तो मानव विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से दो कारक होते हैं, वंशानुक्रम और परिवार का वातावरण। और परिवार के वातावरण में ही परिवार की सामाजिक स्थिति आती है। तो इसका ऑप्शन यह भी सही है, यह भी सही है, और यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त सभी। तो 30 नंबर प्रश्न के सही आंसर है 4 नंबर, उपयुक्त सभी। वृद्धि और विकास का सिद्धांत है तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, इनमें से सभी। तत्परता का नियम थोंडाइक ने दिया था अपने मुख्य नियम में, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो ये तो नहीं है, एकता का नियम भी नहीं है, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। ये वृद्धि एवं विकास से संबंधित सिद्धांत है, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। जैसा कि मैंने कल बताया था, वृद्धि एवं विकास एक निश्चित क्रम होता है, लेकिन इसकी दर अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति में विकास की दर अलग अलग होती है। तो व्यक्तिक अंतर पाया जाता है विकास में, वृद्धि एवं विकास में। सब व्यक्ति का विकास एक समान गति से नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 12 से 19 वर्ष, किशोरावस्था की अवधि होती है 12 से 19 वर्ष। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस माध्यम, जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है? तो बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किशोरावस्था में चाहता है। बालक किशोरावस्था में चाहता है कि उसके लिए गए निर्णयों, उसकी योजनाओं को समाज स्वीकृति प्रदान करे। तो ये ऐसी गुण किशोरावस्था के बालकों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर, ये ऐसे टाइपिंग प्रॉब्लम। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति की अभिरुचियाँ, अभिक्षमताएं, वातावरण और इनमें सभी। तो मानव मन को चारों कारक समान रूप से प्रभावित करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर, एक बच्चा प्राय प्रश्न पूछता है उचित रूप से, इसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। तो इस 35 नंबर का सही आंसर होगा 2 नंबर, वह अधिक जिज्ञासु है। कि अगर वह अपनी जिज्ञासा के वशीभूत होकर कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, इसका मतलब हो गया वह अधिक जिज्ञासु है। निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है?
आकार बढ़ने से, किसका अर्थ आकार बढ़ने से? अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता और उन्नयन। इसका सही आंसर होगा एक नंबर, अभिवृद्धि का अर्थ होता है आकार बढ़ने से। सिर का बड़ा होना, पैर की लंबाई का बड़ा होना, हाइट का बड़ा होना, ये सब विकास वर्ध अभिवृद्धि के अंतर्गत आते हैं। निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार है? जैसे कि हमने कल पढ़ा था, निकट दूर सिद्धांत विकास के किस प्रकार है? इसमें केंद्र से सिरों की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो हमने ऊपर से नीचे की ओर तो पढ़ा था मस्तकोद्मुखी सिद्धांत, दोनों ओर बराबर, नीचे से ऊपर की ओर। नीचे से ऊपर की ओर कोई सिद्धांत नहीं होता, केंद्र से सिरों की ओर एक सिद्धांत होता है जिसे निकट दूर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, या मध्य से बाहर की ओर या केंद्र से सिरों की ओर, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, वंश क्रम एवं वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास है वो वंश क्रम एवं वातावरण के योगदान का परिणाम है। जैसा कि वुडवर्थ ने कहा भी है कि वंश क्रम जो भी विकास है वो वंश क्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है। वातावरण एवं वंश क्रम का गुणनफल होता है। और अगर प्रश्न में ऐसे आ जाए प्रश्न कि विकास में सर्वाधिक योगदान है वातावरण का, वंश क्रम का, दोनों का बराबर, या इनमें से कोई नहीं, तो वंश क्रम और वातावरण का दोनों का बराबर प्रभाव पड़ता है। आज तक कोई शिक्षाविद ये खोज नहीं पाए हैं कि वातावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या वंश क्रम का, दोनों का समान प्रभाव पड़ता है मानव विकास पर। तो इसका सही आंसर होगा वंश क्रम एवं वातावरण। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। सही है, विकास का अर्थ यही होता है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला विकास कहलाती है। सही बात है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। इस प्रश्न का चारों आंसर राइट है, अगर सही तरीके से देखा जाए तो चारों आंसर राइट है। तो इस अवस्था में हमें ऐसे प्रश्न का चूज करना है जो निकट आंसर हो। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, अभिप्रेरणा एवं अनुभव, ये इसका निकट आंसर है। अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप जो होने वाले परिवर्तन होते हैं उनकी उत्तरोत्तर श्रृंखला ही विकास कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर, ना तो धर्म में रुचि लेते हैं ना मानव शरीर में रुचि लेते हैं। शेष अवस्था का बालक मानव शरीर में रुचि लेता है और किशोरावस्था का बालक यौन संबंधों में रुचि लेता है। तो विद्यालय 6 से 10 वर्ष की अवस्था के बालक बाल्य अवस्था के बालक कहलाते हैं और विद्यालय में रुचि लेते हैं। जैसा कि आपको देखा होगा आपने कि कोई भी बालक है वो 6 से 10 वर्ष की अवस्था या बाल्यावस्था का बालक है, वो इसको विद्यालय से घर आते ही अपने माता पिता को, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, सबको अपने विद्यालय की घटनाएं बताता है। आज मैंने ये सीखा, आज मैंने ये किया, आज उसने ये किया, आज गुरुजी ने ये किया, आज मैडम ने ये किया, ये सब बातें, ये सब घटनाएं 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक में देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा विद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुकरण, प्रदर्शन, स्वयं द्वारा किया गया अनुभव, उपयुक्त सभी। तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए, तो अगर प्रश्न में कोई सा भी आ जाए, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए किसे बेहतर मानते हैं? वैसे चारों सही है, चारों सही है, लेकिन प्रश्न में पूछा है बेहतर किसे मानते हैं, तो हमें 3 में 4 में से ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसे हम बेहतर मानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा स्वयं द्वारा किया गया अनुभव। अगर बालक करके सीखते हैं तो वह ज़्यादा स्थायी रहता है, स्वयं के अनुभव द्वारा सीखा गया ज्ञान स्थायी रहता है, चाहे प्राथमिक हो, चाहे उच्च प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक स्तर के बालक हो। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में असत्य है? विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। सही बात है, जैसा कि हमने पिछली सीरीज में पढ़ा था कि विकास की कुछ विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है।
विकास का उद्देश्य होता है वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना, यह भी सही है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते हैं, प्रारंभिक विकास के बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न में क्या पूछा है? असत्य। तो प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, यह आपको पता है, क्योंकि अधिकांश बुद्धि का विकास शैशव अवस्था में हो जाता है। तो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते, यह प्रश्न इसका सही आंसर होगा और वैसे गलत कथन होगा 3 नंबर। क्यों? विकास के जल कैसे, हमने कल पढ़ा भी था कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में खतरे होते हैं, जैसे किशोरावस्था में संवेगात्मक समस्याएं आती है, इसके अलावा सामाजिक समस्याएं भी आती है, इस कारण इस प्रकार विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे भी होते हैं। तो सही आंसर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर है, विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक और नकारात्मक। तो विकास गुणात्मक परिवर्तन है, इसका सही आंसर है 1 नंबर, जबकि वृद्धि वो मात्रात्मक या गणनात्मक होती है। वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि का संबंध आकार व भार दोनों से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? नेक्स्ट प्रश्न, सभी की विकास दर समान नहीं होती। सही बात है, ये विकास का सिद्धांत है, जैसा कि बताया था कि सभी की विकास दर समान नहीं होती, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, प्रत्येक व्यक्ति की विकास दर अलग अलग होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, ये गलत बात है। विकास सर्पिलाकार, वक्राकार या चक्राकार होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह भी गलत हो गया। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित होती है, तो यह भी गलत हो गया। इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, सभी की विकास दर समान नहीं होती, सभी की विकास दर अलग अलग आती है, प्रत्येक व्यक्ति की विकास दर अलग अलग होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना, प्राकल्पना का निर्माण करना। समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति है, और समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण होता है समस्या के प्रति जागरूकता या समस्या का ज्ञान लेना। पहले अगर समस्या के बारे में जानकारी होगी तो ही हम आगे का चरण पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिक प्यार देने वाली भावना से होने वाली हानि क्या है? क्या होता है, अधिकांश परिवारों में एक तो प्रथम संतान और एक अंतिम संतान ऐसी होती है जिन पर घर वाले अधिक प्यार देते हैं, जिसके कारण बालक भावनात्मक अकेलापन महसूस करता है, अधिक रक्षात्मक होना, इससे निर्भरता की भावना ज़्यादा विकसित हो जाती है, तनाव और चिंता का गुण पैदा हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, इससे निर्भरता की भावना ज़्यादा विकसित हो जाती है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, अधिक प्यार देने वाले संतानों में वो बालक निर्भर हो जाता है घर वालों पे, कोई भी काम करता है तो घर वालों के बिना नहीं कर पाता, तो उनकी ये भावना हो जाती है, फिर निर्भरता की भावना विकसित हो जाती है धीरे धीरे, वो अब सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल्यावस्था को किलपैट्रिक ने कहा है, बाल्यावस्था को किलपैट्रिक ने कहा है, संचय काल, बड़ी उलझन की अवस्था काल, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल, मिथ्या परिपक्वता का काल। तो बाल्यावस्था को किलपैट्रिक ने, ये एक परिभाषा है, जैसे बाल्यावस्था की किलपैट्रिक ने परिभाषा दी थी कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है, और बड़ी उलझन की अवस्था कोल ब्रुस ने कहा था, किसने कहा था? कोल ब्रुस। और मिथ्या परिपक्वता काल कहा था रोस ने, मिथ्या या छदम परिपक्वता का काल कहा था रोस ने। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यटन व स्काउटिंग की शिक्षा देने की उचित अवस्था है? शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था। तो पर्यटन व स्काउटिंग की शिक्षा देने के लिए बाल्यावस्था सही उचित अवस्था है, बालकों को बाल्यावस्था के अंदर पर्यटन व स्काउटिंग की शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर, 6 से 12 वर्ष की अवधि की एक अपूर्व विशेषता है, अधिकतम योग्यताओं का विकास होना, मानसिक शक्तियों का तीव्र विकास होना, मानसिक रुचियों में विशेष परिवर्तन, धार्मिक भावना का विकास। 6 से 12 वर्ष की अवधि उत्तर बाल्यावस्था होती है, जिसमें मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन होने लगता है। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन होने लगता है 6 से 12 वर्ष की अवधि की एक अपूर्व विशेषता है। 51 नंबर प्रश्न है, किस मत के अनुसार अन्यायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? जैसा कि मैंने
एक दो बार पहले भी आ चुका है और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं हर एग्जाम, कोई सी टेट में आया, कोई आर टेट में आया, कोई रीट में आया है, कोई यूपी टेट में आया है, वो क्वेश्चन एकत्रित किए गए हैं। इसका मतलब बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस मत के अन्वयों का कथन के विकास की क्रिया का प्रारंभ शीर्ष से होता है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये नहीं है। विकास प्रतिमान की समान प्रतिमान, ये भी नहीं। संगठित प्रक्रिया, यही नहीं है। मस्तकोद्मुखी सिद्धांत, इसके अनुसार शीर्ष से विकास का क्रम शीर्ष से पेड़ की ओर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न। मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वो कारक है जैविक व आर्थिक। मानव का विकास आर्थिक कारकों पर निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि जो आदमी अमीर है उसका विकास ज़्यादा होगा या गरीब है उसका विकास कम होगा। जैविक व सामाजिक कारक, हाँ जैविक व सामाजिक कारक, जिस प्रकार का बालक को सामाजिक कारक, सामाजिक समाज मिलता है उसका विकास उसी गति से होता है। और जैविक कारक तो है ही, ये इसका आंसर हो गया 2 नंबर, जैविक व सामाजिक कारक। सामाजिक व राजनीतिक, ऐसा भी नहीं है जो बालक राजनीति कर रहा है या जिसके माँ बाप राजनीति करें उनका विकास ज़्यादा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा जैविक व सामाजिक कारक। आज 52 क्वेश्चन हो चुके हैं और जैसा कि मैंने बताया था 85 क्वेश्चन की सीरीज है और कल तक ये सीरीज आपकी बाल विकास की सीरीज कंप्लीट करा दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।